तो अगर आप यहाँ आ ही गए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन दबा देना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाओ और फॉलो करो। बैक टू दिस चैनल। ये गाना मैंने ऑब्वियसली सुना हुआ है, गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, दिलजीत दोसांझ का एल्बम निकली थी, बहुत सारे गाने आए थे इस एल्बम के। तो इस गाने पे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि मुझे रिएक्शन करना चाहिए, लेट्स सी रिएक्शन कैसा होने वाला है। वैसे मैं गाना सुन चुकी हूँ, बट ऐसा नहीं है कि रिएक्शन मेरा नॉट सो नेचुरल निकल जाएगा, प्रॉपर नेचुरल निकलेगा, क्योंकि जितनी बार भी गाने सुनती हूँ मैं, मेरा हमेशा सेम रिएक्शन रहता है। तो मैं अब इस गाने को भी सुनने वाली हूँ आपके सामने और आप देखने वाले हैं रिएक्शन। What's up, dog? Shit, bro, this tune in the wind. What's good with it? Watch out, man. Watch out, DLG coming, man. Oh, word. They say he the GOAT. He all the way down. मैं इसे भी साथ साथ गाने वाली हूँ। डायमंडा दे नाल तोलदा जिन्ना तेरा पार गोरी है, गबरू ता वैरी नू भी मिठा बोलदा नी, तू ता फिर जट दा प्यार गोरी है। देख बॉलीवुड विच जिन्ने खाने ने ओदा विच बहुत पसंद है। गाने की मॉडल भी बहुत ब्यूटीफुल है। म्यूजिक पे अच्छा है इस गाने का ना काफी। वेडिंग पे ऐसे गाने बज जाए ना तो आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि माहौल ही ऐसा होता है वेडिंग वाला। और Everybody stop talking now. Attention. I told you, all my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I'm untouchable. Don't ever think you can beat me. I told you all today, I'm still the greatest of all time. Greatest of all time. हम लोग इनका एक्सेंट मैच नहीं कर सकते, बहुत ही ऐसे that kind of accent होता है, तो हम लोग नॉर्मल हमारा इंडियन एक्सेंट रहता है। बट आई लव दिस सॉन्ग एंड आई थिंक जब मैं इस गाने को देख रही हूँ तो ये ऑलरेडी 99 मिलियन क्रॉस कर चुका है, और मुझे लगता है जब तक वीडियो अपलोड होगा 100 मिलियन कर जाएगा। भाई साहब क्या गजब गाना था यार ये। मैं तो कितनी बार, मतलब हम लोग भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं रास्ते में ये गाना सुन रहे, तो मतलब मन ही नहीं भरता मेरा, तो रिपीट पे गाना सुनने का दिल करता है ये वाला। और आप लोगों ने रिएक्शन करने को बोल दिया इस पे, तो मुझे लगा व्हाई नॉट।
नॉट. अभी आप लोगों ने कहा है मुझे भी गाना बहुत पसंद है, तो रिएक्शन तो बनता है, तो रिएक्शन कर दिया मैंने. गाना मुझे थोड़ा सा तो आता ही था, वो मैंने साथ साथ गा दिया. तो मेरे को तो पहली बार मैंने गाना सुना था, मुझे ऑब्वियसली लिरिक्स नहीं आते थे, बट जिस तरीके से मैं इस गाने को अभी इंजॉय कर रही थी ना, उस टाइम पे भी मैंने इस गाने को ऐसे इंजॉय करा था, प्रॉपर ऐसे भांगड़ा वांगड़ा डाल के और पूरा चिल होके. तो जबरदस्त गाना है ये, जबरदस्त. आई एम सो सॉरी, बच्चे खेल रहे नीचे काफी शोर कर रहे हैं, स्कूल जाना नहीं है, छुट्टियां हैं, तो बस पूरा दिन लगे रहते हैं. सो या, तो काफी बढ़िया गाना था ये. एंड दिलजीत दोसांझ के इस गाने के बाद मैंने इंटरव्यूज भी काफी देखे थे, उनका एक अलग ही रहता है. मतलब बोलते हैं ना हम एक टर्म यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ही इज अर्बन एंड ही इज देसी. तो वो जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना इन दोनों चीजों का दिलजीत दोसांझ के अंदर, की वो अपने रूट्स भी नहीं छोड़ते हैं, और मोस्टली गानों में भी हम देखते हैं कि वो हमेशा भगवान को थैंक यू बोल रहे होते हैं. सुपर. तो यार दिलजीत दोसांझ amazing. Thank you so much for watching this video. Do subscribe the channel and hit the bell icon. Also, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना.